हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस क्लास के माध्यम से हम लोग मोमेंटम को सीखेंगे, क्या होता है मोमेंटम और इससे संबंधित फुल जानकारी अचीव करेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। संवेग मोमेंटम, तो इसका डेफिनेशन है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं है। अर्थात साथ है जिसका वेग, संग है जिसके वेग, संवेग कहलाता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। सूत्र रूप में देख लीजिए, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान को m से शो करते हैं मास, और वेग को वेलोसिटी v से, संवेग को p से। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू एम वी। एक डेफिनेशन और बना सकते हैं या करके, संवेग जो होता है गतिमान वस्तुओं में गति की मात्रा की माप होती है। गति की मात्रा की माप होती है गति की मात्रा की माप ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो दूसरा परिभाषा भी आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो। वैसे तो यही परिभाषा ज्यादा सुटेबल है। सदिश रूप में इसको हम लोग वेक्टर p इज इक्वल टू एम वेक्टर v लिख सकते हैं। m आपका स्केलर क्वांटिटी है, जितना भी मूल राशि होता है वो सब आपका अदिश राशि होता है, अदिश राशि। चलिए इसका प्रकृति देखते हैं। यहां तो मैं लिख दिया हूं प्रकृति, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। संवेग की जो दिशा होगी वो वेग के ही दिशा में होगी। मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, और वेग का हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमें क्या मिला, द्रव्यमान मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान मीटर प्रति सेकेंड, यह है संवेग का मात्रक। संवेग का मात्रक, सॉरी, ये संवेग का मात्रक हो गया। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र देखिए इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m होता है, और वेग का हमें मालूम है एल टी माइनस वन। तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस वन। अब देखिए संवेग से संबंधित दो तथ्य बहुत विख्यात है, संवेग से संबंधित दो तथ्य बहुत विख्यात है जो इस प्रकार है। यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं, यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। चलिए क्या बोला गया है, मान लेते हैं दो वस्तु है जिनका वेग v1 और v2 है, दोनों क्या है, बराबर है। तो भारी वस्तु का देखिए m1 v1 संवेग ले लेते हैं, और ये m2 v2। तो द्रव्यमान बिल्कुल भारी वस्तु का ज्यादा होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा, क्योंकि संवेग दोनों के मान पर निर्भर करता है। संवेग का मान द्रव्यमान के मान पर भी निर्भर करता है और वेग के मान पर भी निर्भर करता है। तो वेग बराबर है, द्रव्यमान तो बराबर नहीं है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसका संवेग भी ज्यादा रहेगा, ये है। सेकेंड देखते हैं, यदि दो वस्तुओं का संवेग एक समान है, यदि P1 बराबर P2 है, तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। हल्की वस्तु का जो वेग है भारी वस्तु के वेग से अधिक रहेगा, क्लियर है। जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसका जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा दूरी तय कर सकता है, ये। चलिए एक छोटा सा सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तुओं के समूह का कुल जो संवेग रहता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है या नियतांक रहता है।
तो देखिए f बराबर अगर जीरो हो, f बराबर अगर जीरो हो तो पी वन इज इक्वल टू पी टू हो जाएगा जी, क्लियर है। या अगर इसको दूसरा रूप में लिखें तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस डैश 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 पी एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये। चलिए अंकित प्रश्न देखते हैं। यदि 5 किलोग्राम का कोई पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है तो संवेग की गणना कीजिए। चलिए सब चीज तो क्लियर है, दिया गया है, हमें फार्मूला भी मालूम है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फार्मूला और आपका कंटेंट प्रोसीजर मालूम रहना चाहिए आपको। चलिए दिया है पिंड का द्रव्यमान m इज इक्वल टू 5 kg और पिंड का वेग v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, इसलिए मोमेंटम p इज इक्वल टू हमें मालूम है एम वी होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 × 5, अब ये हो जाएगा इसका जो मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड, 25 kg/s। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर, आप प्राप्त कर लिए, ये आंसर हो गया आपका 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का इसका संवेग होगा प्रश्न एक का। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, संवेग एवं वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संवेग p इज इक्वल टू एम वी होता है और वेग v इज इक्वल टू v, इसलिए दोनों का अनुपात p अपान v, इसको हम लोग एम वी अपान v लिख सकते हैं, v खत्म बराबर m, क्या हो रहा है द्रव्यमान। ऑप्शनल क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को अधिकतर पूछा जाता है, ये मोस्ट आईएमपी है। चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से है, बिलोंग करता है, तीनों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। 2 किलोग्राम का एक पत्थर एक वृत्ताकार मार्ग में 5 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गति कर रहा है तो चक्कर पर संवेग की गणना करें। चलिए देखिए वृत्ताकार मार्ग की बात कर रहे हैं, एक चीज याद रखना, और वृत्ताकार मार्ग में एक मार्ग पूर्ण करने में विस्थापन आपको क्या हो जाता है, विस्थापन शून्य हो जाता है, विस्थापन शून्य तो वेग शून्य, वेग शून्य तो आपका संवेग भी शून्य हो जाएगा। दिया है द्रव्यमान बराबर 2 kg, वेग बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। अब मार्ग जो है वृत्ताकार मार्ग के लिए, वृत्ताकार मार्ग में एक चक्कर पूर्ण करने हैं पर वेग जो होगा वो जीरो हो जाएगा, इसलिए संवेग बराबर भी क्या मिलेगा हमें, संवेग p इज इक्वल टू एम वी, ये चाहे कितना भी रहे इसका वेग, ये तो कण का वेग है, m हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 0, तो बराबर 0, ये है आपका आंसर। विश्वास करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।